फ्रेंड फ्री फायर इंडिया की स्पेशल में अब तक जो भी अपडेट निकल कर आई, जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई, मैंने सब कुछ आप लोग को दिखाया, ठीक है। लेकिन अभी गाइस संडे स्पेशल में मॉर्निंग के टाइम पर फ्री फायर इंडिया को लेकर दो बहुत बड़ी सी अपडेट निकल कर आई है, जो कि एक बहुत बड़ी सी बैड अपडेट है और एक बहुत बड़ी सी गुड अपडेट है, मतलब कि गुड न्यूज है और बैड न्यूज है। बैड न्यूज इतनी बड़ी बैड न्यूज है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो गाइस शायद आप लोग उसमें से कुछ बंदे रोने लगोगे कि क्या भाई सच में एफ भाई ऐसा होने वाला है, तो मैं कहूंगा यस ऐसा होने वाला है। वहीं पर गुड न्यूज भी इतनी बड़ी गुड न्यूज है कि अगर उसको आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुश हो जाओगे कि भाई चलो भाई फाइनली बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज का एंड फाइनली ये अब होने वाला है। तो क्या बैड न्यूज है क्या गुड न्यूज है, चलो दोनों चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ संडे स्पेशल में। एंड संडे स्पेशल में मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग में वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो अभी से, चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ बैड न्यूज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोग को बैड न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं आप लोग को उदास कर दूँ, पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रुला दूँ कि इतनी बड़ी बैड न्यूज़ है वो बता दूँ, लेकिन उसके बाद मैं आप लोग को गुड न्यूज़ भी बताऊंगा ताकि आप लोग खुश होगे बाद में, ठीक है। तो बैड न्यूज़ गाइस ये है कि हम लोग का जो पहले नॉर्मल फ्री फायर था, आपको याद होगा 2017, 18, 19, 20 में हम लोग खेलते थे नॉर्मल फ्री फायर, जो कि बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट की साइड से अपना गेम फ्री फायर नॉर्मल वाला, जो बैन हो गया था काफ़ी टाइम पहले, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन अभी के टाइम पर हम लोग उस गेम को खेलते हैं, बहुत सारे बंदे खेलते हैं उस गेम को, VPN से डाउनलोड कर लेते हैं उसको, खेलते हैं अभी भी फ्री फायर मैक्स भी लोग खेलते हैं, और नॉर्मल जो फ्री फायर गेम बैन हो गया था उसको भी अभी लोग खेलते हैं, मतलब कि अपने इंडिया में है नहीं लेकिन उसको लोग VPN से लगा कर डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम वगैरह से, तो उसको अभी लोग खेलते हैं, ठीक है। अपने इंडिया में दो गेम चल रहे हैं अभी भी, एक बैन है नॉर्मल फ्री फायर वाला बैन है और फ्री फायर मैक्स बैन नहीं है, लेकिन दोनों गेम खेले जाते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि भाई उस गेम को, भाई उस गेम को अब आप लोग नहीं खेल पाओगे, वो परमानेंट बैन हो जाएगा फ्री फायर नॉर्मल वाला। जी हाँ फ्रेंड, नॉर्मल फ्री फायर जो अब से काफ़ी टाइम पहले 2 साल पहले बैन हो गया है, वो अब परमानेंट बैन हो जाएगा, उसको इंडिया में अब आप लोग नहीं खेल पाओगे OB45 अपडेट के बाद में, ये कंफर्म हो चुका है। और ये चीज़ मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई जब से मैंने सुना है ना कि भाई फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला है, जब से मुझे डर था कि यहाँ पर जब फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा तो हम लोग का जो फ्री फायर मैक्स है, जो अभी के टाइम पर हम लोग फ्री फायर मैक्स खेलते हैं, इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था कि फ्री फायर मैक्स बैन हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल फ्री फायर तो पहले ही बैन हो गया था, अभी हम लोग का एक ही गेम चल रहा था इंडिया में फ्री फायर मैक्स, ये भी बैन हो जाएगा जब हम लोग का फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा, मुझे इस चीज़ का डर था। लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ कि भाई फ्री फायर इंडिया जब लॉन्च होगा तो यहाँ पर हम लोग का जो नॉर्मल फ्री फायर बैन हो चुका था ऑलरेडी, वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, वो अब हम लोग इंडिया में नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। ये कन्फर्म है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे सोचते हैं भाई मेरा 2 GB RAM का फ़ोन है, 3 GB RAM का फ़ोन है, मैं फ्री फायर मैक्स नहीं खेल पाता हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करके खेलता हूं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वो लोग नॉर्मल फ्री फायर नहीं खेल पाएंगे, चाहे VPN लगा लो चाहे कहीं से भी डाउनलोड करो, डाउनलोड तो कर लोगे आप लोग लेकिन वो गेम अपने इंडिया में नहीं चलेगा, परमानेंट उस गेम को बैन कर दिया जाएगा OB45 अपडेट के बाद में, ठीक है। ये बहुत बड़ी सी बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ओनली ऑन अपने इंडिया में एक ही गेम रहेगा फ्री फायर मैक्स, ठीक है, उसको ही आप लोग को खेलना पड़ेगा। अब आप लोग अच्छा फ़ोन लो, 3-4 GB का रैम का फ़ोन लो, 5-6, 6-8 GB का रैम का फ़ोन लो, तो आप लोग खेल पाओगे, आपको पता ही है। तो बस जो बैड न्यूज़ है वो मैंने आप लोग को बता दी, नॉर्मल फ्री फायर अब आप लोग गेम नहीं खेल पाओगे OB45 अपडेट के बाद में, वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, ठीक है। एंड चलो अभी आपको बताते हैं गुड न्यूज़ के बारे में, मतलब कि बैड न्यूज़ तो मैंने आप लोग को बता दी, बहुत सारे बंदे फ्री फायर नॉर्मल वाला खेलते हैं डाउनलोड करके भाई क्रोम वगैरह से, उनके लिए तो बैड न्यूज़ मैंने आप लोग को बता दी, बहुत सारे लोग यहाँ पर सैड फील कर रहे होंगे कि भाई अब हम लोग नॉर्मल फ्री फायर नहीं खेल पाएंगे। लेकिन चलो अभी मैं आपको गुड न्यूज़ बताता हूँ, गुड न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग को सुनकर अच्छा लगेगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि भाई जब हम लोग का नॉर्मल फ्री फायर बैन पूरी तरीके से हो रहा है, हम लोग नहीं खेल पाएंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस कि हम लोग का फ्री फायर इंडिया अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, हम लोग नॉर्मल फ्री फायर तो काफ़ी टाइम से बैन है, उसको अभी तक हम लोग खेल पा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम लोग का फ्री फायर इंडिया है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और वो अब लॉन्च होने वाला है, मतलब कि अपने इंडिया में ओनली ऑन 2 गेम चलेंगे जो कि शुरू से चलते चले आए हैं। पहले हम लोग का नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स चलता था, बीच में हम लोग का नॉर्मल फ्री फायर बैन कर दिया गया, लेकिन ओनली फ्री फायर
मैक्स रहा वो हम लोग खेलते थे, लेकिन हम लोग नॉर्मल फ्री फायर भी डाउनलोड करके खेलते थे, दो गेम खेलते थे। लेकिन अभी नॉर्मल फ्री फायर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि अब फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला है और वो हम लोग खेलेंगे, यानी कि फ्री फायर मैक्स भी खेलेंगे और फ्री फायर इंडिया जो लॉन्च हो रहा है वो भी हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दो निकल कर आई, दोनों इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया कि एक बैड न्यूज़ थी और एक गुड न्यूज़ थी। बैड न्यूज़ ये थी कि नॉर्मल फ्री फायर अब हम लोग खेल नहीं पाएंगे, और गुड न्यूज़ ये कि अब हम लोग का फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला है उसको अब हम लोग खेलें, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है। बाकी अभी बहुत सारे बंदों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये फिर भाई फ्री फायर इंडिया आखिर कितनी तारीख को लॉन्च होगा, कितने बजे हम लोग उसको खेल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको बता दूं गाइस, जैसी कंफर्म डेट मेरे को पता चलेगी फ्री फायर इंडिया की, जैसी कंफर्म डेट मुझे पता चल जाएगी ना कि भाई हाँ फ्री फायर इंडिया इस तारीख को लॉन्च होने वाला है, उस दिन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो बनाकर सबसे पहले आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। उस चीज़ की टेंशन आप लोग ना लो। तो प्लीज़ सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो गाइस, अभी मैंने आप लोग के कुछ बंदों के कमेंट भी रीड कर रखे, उनके रिप्लाई करते हैं। जैसे कि पहले कमेंट निकल कर आ रही है अक्षु की तरफ से, ये कह रहे हैं एफए भाई स्कॉर्पियो बंडल कब रिटर्न आएगा। स्कॉर्पियो बंडल का मैं सच बताऊं तो मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है स्कॉर्पियो बंडल कब रिटर्न आएगा कब रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन हाँ जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर गाइस दूसरी जो कमेंट निकल कर आई है वो आ रही है अजय दास की तरफ से, ये कह रहे हैं M1887 रिटर्न कब आएगा एफए गेमर भाई प्लीज बता दो। M1887 गन की स्किन गाइस काफी टाइम से नहीं आई है, कोई भी नहीं आई है, तो इस बार काफी ज्यादा चांस बने हुए हैं। इस बार जो हम लोग का OB45 का अपडेट हो रहा है, अपडेट के बाद में आप लोग को M1887 गन की स्किन कोई बढ़िया सी देखने को जरूर से मिल जाएगी। जैसे ही मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी कॉमेंट निकल कर आ रही है वो आ रही है W99RG की तरफ से, जो कह रहे हैं एफ ए भाई आप लाइव स्ट्रीम नहीं करते हो। नहीं ब्रो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, बट अभी 1.5 महीने से मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दूंगा। मैं शॉर्ट में गेम वगैरह खिलाता हूँ शॉर्ट लाइव स्ट्रीमिंग में, आप लोग को पता ही हो बहुत सारे बंदों को, तो मैं फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करो। एंड चलो बस आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोग के कमेंट वगैरह पढ़ लिया, आप लोग और अच्छे अच्छे कमेंट करो, कल की वीडियो में फिर से आप लोग के कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।